अरे सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत किसने कहा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा ये किसने कहा राम वाली आत्मा ने कब कहा और कौन सी संपदा के लिए कहा दुनियावी स्थूल संपदा के लिए कहा या जो अलौकिक संपदा है ज्ञान की धन संपत्ति कही जाती है उसके लिए कहा है? अगर ये कहें कि पहले पहले इस स्टेज पर राम वाली आत्मा आती है सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनती है तो ज्ञान की बात पहले आती है नहीं तो ब्राह्मणों को सेवा करते करते ज्ञान का अहंकार भी चढ़ जाता है दो चार आत्माओं को भी समझाया तो अंदर ये बात पक्की होने लगती है कि हमने इनको समझाया ये ज्ञान रतन हमने इसको दिए वास्तव में हमारे पास पहले थे क्या थे ही नहीं ये ज्ञान रतन न होने के कारण तो कौड़ी तुल्य जीवन बना भारत बैगर बन गया ये सारी ज्ञान की संपदा परमपिता परमात्मा ही आकर के देते हैं जो ज्ञान रतन प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने से स्थूल रतन भी इसी जीवन में बन जाते हैं विश्व का मालिक बन जाता है सारी दुनिया की जो भी लौकिक अलौकिक संपदा है उसका मालिक कहा जाता है दुनिया भले मालिक कहती है परंतु फिर भी वो अपने को मालिक समझता नहीं है इसलिए बेताज बादशाह कहा जाता है और कोई ने प्रश्न लिख करके भेजा है बाबा कहते हैं गांधी ने जो अपने जीवन में आदर्श अपनाए वो ब्रह्मा बाबा की तरह हैं उन आदर्शों से तो स्वर्ग नहीं आया किंतु राम वाली आत्मा यानी शिव बाबा अभी भी ब्रह्मा की धारणाओं को ही प्रैक्टिकल जीवन में मानकर चल रहे हैं क्या ब्रह्मा बाबा की धारणाओं को शिव बाबा मान करके चल रहे हैं है?
ब्रह्मा बाबा को बाप के स्वरूप की प्रैक्टिकल धारणा थी है? नहीं थी। तो सारी धारणाएं मौजूद हों लेकिन बाप की धारणा जो सारे विश्व का बीज है वो गायब हो जाए तो सफलता मिलेगी है? सफलता ही नहीं मिल सकती। मूल बात है बाप की पहचान। बाप की पहचान की धारणा बुद्धि में बैठी होनी चाहिए और ठीक रीति बैठी होनी चाहिए कि बाप कौन है। गांधी जी को ये अहंकार आया कि नहीं? कि हम राम राज्य स्थापन करेंगे हैं? आया या नहीं आया? अरे राम राज्य की स्थापना अगर ब्रह्मा ही स्थापन करें तो ब्रह्मा राज्य कहा जाएगा या राम राज्य कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? ब्रह्मा राज्य कहा जाना चाहिए। नहीं कहा जाता फिर भी क्या कहा जाता है? राम राज्य। तो राम राज्य की स्थापना तो राम ही करेगा या कोई दूसरा करेगा? राम ही करेगा। दुनिया में भी जितनी भी राजाइयां स्थापन हुई हैं, उन राजाइयों को स्थापन करने वाला कोई राजा हुआ है। जो स्थापना करता है, जो नए राज्य की स्थापना करता है वो ही राज्य करता है। ब्रह्मा का सिर्फ अहंकार था, क्या हम क्या लाएंगे? राम राज्य लाएंगे। लेकिन बाप को पहचाना नहीं, राम बाप को ही नहीं पहचाना। जो मुरली में 20 बार बोला है, क्या क्या बोला है? कृष्ण को बच्चा कहा जाता है और राम को बाप कहा जाता है, फिर भी बुद्धि में नहीं आया कि बाप कौन है। ये बाप की पहचान ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं थी और यज्ञ के आदि से ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? जबकि सारी दुनिया में डोलने के बाद, भटकने के बाद राम बाप वाली आत्मा से ही उनको अपने साक्षात्कारों का रहस्य मिला और संतुष्टि हुई, फिर भी उनकी बुद्धि में ये क्यों नहीं बैठा कि ज्ञान का बीज रूप यही आत्मा है साकार रूप में? क्यों नहीं बैठा? बैठना चाहिए ना, क्यों नहीं बैठा? अरे कोई कारण होना चाहिए कि नहीं है? कारण यही था कि जिस आत्मा के द्वारा उनको ये ज्ञान का रहस्य मिला वो आत्मा उनकी दुकान में 10 साल पहले से ही नौकर थी। दुकान का मैनेजर नौकर होता है या नहीं होता है? होता है। तो जिसको नौकर की दृष्टि से वो देखते थे तो अहंकार आया या नहीं आया? वो अहंकार ने बाप की पहचान नहीं होने दी। शिवोहम की स्टेज हो गई और शिवोहम बन के बैठ गया ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। नहीं तो मुरलियों में कोई भी ऐसा महावाक्य आता है प्रूफ के रूप में, भले उनके मुख के द्वारा ही चलाई हुई वाणियां हैं,
कोई ऐसा वाक्य आता है जिससे ये प्रूफ साबित हो कि ब्रह्मा की आत्मा में शिव प्रवेश होता है? है? आता है? कोई वाक्य नहीं आता। फिर भी ब्रह्मा अपने को क्या मान के बैठ गए? मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं ही कृष्ण की आत्मा हूँ, मैं ही गीता का भगवान हूँ साकार रूप में। इस सृष्टि पर कोई दूसरी आत्मा नहीं है जो गीता का साकार रूप में भगवान हो। मात्र एक अहंकार के पॉइंट ने सारा ही चौपट कर दिया। जैसे भक्ति मार्ग में गुरुओं ने सारा चौपटा कर दिया, क्या समझने के कारण? गुरुओं ने अपने को क्या समझा? है? आत्मा सो परमात्मा, शिवो हम ब्रह्मास्मि, यही नारे लगाते रह गए। अरे जो शिव होगा, जो ब्रह्मा की स्टेज पर होगा, वो अपने मुख से कहेगा मैं भगवान हूँ, भगवान का साकार रूप हूँ। उसको तो कहने की भी दरकार नहीं है, एक वाक्य का भी प्रूफ नहीं मिलेगा कि वो स्वरूप भगवान है। अपने को जो स्वयं भगवान कहते हैं वो भगवान नहीं हो सकते। इसलिए ये बात जो प्रश्न में दी गई है वो धारणा ही गलत है कि ब्रह्मा बाबा की धारणाओं पर राम वाली आत्मा अपने प्रैक्टिकल जीवन में चल रही है। चल रही है? है? चल तो रही है। सारे ही जीवन ब्रह्मा के मुख से निकली हुई धारणाओं के ऊपर ही है, लेकिन उसमें एक बात और ऐड है जो ब्रह्मा के जीवन में ऐड नहीं थी। क्या बात? क्या बात? अरे अभी तो बताइए। बाप की पहचान, वो बाप के पार्ट की पहचान ब्रह्मा के जीवन में प्रैक्टिकल धारणाओं में साबित नहीं होती। उन्होंने स्वयं को ही बाप और स्वयं को ही माँ का रूप समझ लिया, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए कि जो बात आती है कि राम वाली आत्मा अथवा शिव बाबा ब्रह्मा की धारणाओं को अपने जीवन में धारण करके चल रहे हैं, ये पूरी पूरी साबित नहीं होती है। और शंकर का पाठ ओम क्रांति का है, ब्रह्मा का पाठ है ओम शांति का है? 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 जिसका अंतिम समय अशांति में समाप्त हुआ हो उसके जीवन में कहेंगे ओम शांति हुई। शरीर कैसे छूटा? है? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कब होता है? कुछ टेंशन होता है, कुछ अशांति होती है, तब हार्ट अटैक होता है। या बिना टेंशन के होता है? टेंशन होता है। बाबा तो बोलते हैं कि योग बल वाली आत्मा को हार्ट अटैक
नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि योग बल वाली आत्मा परम पिता परमात्मा के साथ योग होने के कारण, लगाव होने के कारण, ज्ञान युक्त होने के कारण हर प्रकार की समस्याओं का समाधान अंदर ही अंदर प्राप्त कर लेती है। इसलिए उसको कोई टेंशन हो ही नहीं सकता। और सूर्य ग्रहण पड़ता है तो भक्ति वाले मुझे कहते हैं भगवान पर विपत्ति पड़ती है। भगवान के ऊपर जो कहते हैं कि सूर्य ग्रहण पड़ा तो भगवान के ऊपर विपत्ति आ गई, तो वो भगत लोग कहते हैं या ज्ञानी लोग कहते हैं? है कौन कहते हैं? भगत लोगों की ये धारणा है कि भगवान के ऊपर विपत्ति आती है। वास्तव में सूर्य तो आग का गोला है, जो स्वयं आग का गोला है उसके ऊपर परछाया पड़ सकता है माया का? नहीं। सूर्य जो सारी दुनिया को रोशनी देने वाला है, बेहद का ज्ञान सूर्य भी सारी दुनिया को रोशनी ज्ञान की देने वाला है। जो बेहद ज्ञान सूर्य का पार्ट है प्रैक्टिकल जीवन में, वो कभी भी अज्ञान अंधेरे में नहीं आता है। और मनुष्य आत्माएं अज्ञान के अंधेरे में आ सकती है, माया के परछावे में आ सकती है, चंद्रमा के परछावे में आ सकती है, कन्याओं माताओं रूपी धरणी के परछावे में आ सकती है, उनके प्रभाव में आ सकती है। परंतु जो परमपिता परमात्मा ज्ञान सूर्य का पार्ट है वो कभी भी उसके ऊपर परछाया नहीं पड़ सकता। जन्माष्टमी इसीलिए मनाई जाती है कि कृष्ण ने जन्म लिया होगा। तेरा जन्मदिन मनाया जाता है कि नहीं? मम्मी पापा ने मनाया तो तूने जन्म लिया, तो जन्मदिन मनाया जाता है। तो ऐसे ही जब आठ से सात में उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म संसार में होता है तो आठवां नंबर कृष्ण का लगता है, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण से पहले सात और बच्चों का जन्म माना जाता है, वो सात नारायण वाली आत्माएं पहले प्रत्यक्ष होती है, क्योंकि वो सब विधर्मी हैं। विधर्मी पहले प्रत्यक्ष होते हैं, विदेशी पहले अपने को प्रत्यक्ष करते हैं कि स्वदेशी और स्वदेशी बाप के बच्चे अपने को पहले प्रत्यक्ष करते हैं? है तो विदेशी अपने को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप के बच्चे अपने को गुप्त रखते हैं, जैसे पांडवों ने अपने को गुप्त रखा और दूसरों को प्रत्यक्ष करते हैं। तो ऐसे ही जो सात विधर्मी आत्माएं हैं वो पहले पहले प्रत्यक्ष होती है संसार में, बाद में बाप के बच्चे प्रत्यक्ष होते हैं। और ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, जो भक्ति मार्ग में गया करने जाते हैं वो भक्ति मार्ग वाले समझते हैं कि जो हमारे परिवार में था
भोग गया, वो गया तो गया, अब आएगा आएगा नहीं। अरे बीच में नहीं बोलिए, जो गया सो गया। अगर आ जाता है, कभी कभी आ जाता है ना परिवार में, जो पितर शरीर छोड़ते हैं तो कभी कभी वापस आते हैं, कोई में प्रवेश करते हैं, तो वो भूत प्रेत के रूप में आते हैं या सुख देने वाले देवता के रूप में आते हैं, है? भूत प्रेत के रूप में आ जाते हैं। इसलिए भूत प्रेत के रूप में कहीं वापस ना आए, इसलिए फिर गया जाते हैं। क्या कि वहां जाकर के हम ऐसा पिंड दान करें, ऐसा कर्म करके आए कि वो वापस ना आए। अब वो तो भक्ति मार्ग की बातें हैं, यहाँ ज्ञान मार्ग में तो हम जानते हैं कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। कोई अगर शरीर छोड़ता है तो क्या हम समझें कि वो गया हमेशा के लिए? नहीं, हमारा उस आत्मा का अविनाशी संबंध है, वो संबंध मिट नहीं सकता, जाने की तो बात ही नहीं। जाऊंगी ज्ञान में चलने वाली एक माता है, तो कह रही थी कि बाबा से पूछ लेना, मैं गया करने जाऊं कि नहीं। अगर बाबा करने के, बाबा तो कभी भक्ति करने के लिए मना ही नहीं करते। बाबा तो कहते हैं कि भक्ति करने के लिए न किसी को मना करो, और अपनी दिल चाहती हो भक्ति का कर्म कांड करने की तो अपने को भी मना नहीं करो। क्यों? क्योंकि भक्ति के संस्कार अगर रहे हुए होंगे और वो भक्ति पूरी नहीं होगी तो ज्ञान में पक्के पक्के नहीं चलेंगे। इसलिए भक्ति करने के लिए कभी किसी को मना मत करो। तो क्या बाबा की इच्छा है? उनकी इच्छा है तभी तो पूछ रही है, तो उन्हें बता देना बाबा ने कहा खूब भक्ति करो। है भक्ति का पार्ट जब पूरा होगा तो ज्ञान ऑटोमेटिक बुद्धि में बैठ जाएगा, फिर भक्ति की बातें बुद्धि से उड़ जाएंगी। और अरे पर्चे में क्यों लिख लिख के भेजते हो, शर्म आ रही है क्या? है प्रश्न किया है, भारत में एक कमला नाम का सर्कस था, क्या सर्कस में क्या होता है? हैं? सर्कस में जानवरों के और मनुष्यों के अजीबो गरीब कर्तव्य दिखाए जाते हैं। क्या करते हैं? यही तो करते हैं ना। तो उस सर्कस को विदेश से किसी कारण बुलाया गया। कहां से बुलाया गया? विदेश से, माने वो सर्कस देश का नहीं था। क्या? देसी नहीं था। देसी माने हाँ, भारत माता देश का नहीं था। भारत का नहीं था तो कहाँ का होगा? है विदेश का ही होगा। कहते हैं ना भारत माता है, भारत माता की जय, फिर कहते हैं जय माता की, तो उसमें भारत क्यों हटा देते हैं? हैं? भारत शब्द क्यों हटा दिया? अरे भा माने क्या? भा माने रोशनी। क्या? ज्ञान की रोशनी।
माने अपने ब्राह्मणत्व के जीवन काल में जो सदैव ज्ञान के लेन और देन में ही लगा रहे, रत रहे, रत माने लगा हुआ, चाहे बेसिक ज्ञान हो और चाहे एडवांस ज्ञान हो, ज्ञान के अलावा जिसके जीवन का दूसरा कोई ध्येय होता ही नहीं, वो है भारत माता। अगर ये लक्ष्य से कोई हट गया तो उसे क्या कहेंगे, भारत कहेंगे है? तो भारत नहीं कहेंगे। तो वो कमला सर्कस का किसी ने मंथन करके बुद्धि कमला सर्कस के ऊपर केंद्रित हो गई, क्या बुद्धि है ना। बाबा कहते हैं जो सन्यासी होते हैं ना, सन्यासी जो होते हैं वो उनकी बुद्धि केंद्रित हो जाती है कहाँ, गौमुख में। अच्छी अच्छी गऊओं का नाम क्या बताया है, कमला गऊ। तो कोई की बुद्धि कमला गऊ में केंद्रित हो गई। अब बुद्धि केंद्रित हो जाए तो कुछ तो मनन चिंतन मंथन करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, हाँ करेगी। तो जो मनन चिंतन मंथन किया उसका ये रिजल्ट निकला कि भक्ति मार्ग में भी उस तरह का पार्ट बजाने वाला कोई कमला गऊ के रूप में पार्ट बजाने वाला कोई सर्कस हुआ, क्या जिस सर्कस में जानवर जैसे व्यक्ति भी काम करते थे, बजे अजीबो गरीब काम करते थे, मनुष्य भी काम करते थे। तो जो काम करने वाले हैं उनकी इंद्रियां सधी हुई होती हैं कि नहीं है, सधी हुई इंद्रियां होती हैं, माने वो भी प्रैक्टिस करते हैं काय की है, योग की। योग में क्या किया जाता है, इंद्रियों को साधा जाता है या छोड़ दिया जाता है, है? इंद्रियों को साधना किया जाता है, साधन में लगाया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो ऐसी साधना करने वाले जानवरों जैसा पार्ट बजाने वाले भी उस सर्कस में होते हैं, और वो सर्कस भारत का नहीं है, कहाँ का, विदेश का। तो विदेश से बुलाया जाता है, रावण का भी पार्ट बजाने के लिए कहाँ से बुलाए जाते हैं, है? मुरली में बोला, रावण का पार्ट बजाने वाले भी बाहर से बुलाए जाते हैं। रामलीला खेलते हैं ना, तो रामलीला खेलने के लिए बाहर से लोगों को बुलाते हैं, तो बुलाया गया। वो अपने हाथी घोड़ा तंबू तानात पूरी पार्टी के साथ जब भारत से गया तो उसका क्या हश्र हुआ, है? डूब गया। यहां तो बड़ा कर्तव्य दिखाया है, जो कर्तव्य देखने वाले हैं वो कर्तव्य देख करके बड़े खुश हुए, कितने खुश हुए है, इतने खुश हुए कि अपने बीवी बाल बच्चों को धन संपत्ति को साथ को क्या किया, और सर्कस में देने जाते हैं कि लेने जाते हैं, देने देते हैं। बाद में वो सर्कस जब विदेश वापस गया तो डूब गया, माने वो कर्तव्य सारे क्या हुए, डूब गए। तो इन्होंने कोई कमला गऊ की बात पर मंथन किया कि जैसे दुनिया में भक्ति मार्ग में हुआ वैसे यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई कमला सर्कस होता है, जो पहले पहले योग बल के बड़े बड़े कर्तव्य दिखाता है और बाद में डूब जाता है। तो जो डूब जाता है वो दुनिया की नजरों में डूब जाता है
या ज्ञानियों की नजरों में डूब जाता है, है? तो ज्ञानियों की नजरों में डूब जाता है? नहीं, ज्ञानियों की नजरों में तो बोला हुआ है कि नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। बाबा ऐसे कहते हैं, और बाबा के जो बच्चे हैं उनका भी मंथन ऐसे ही चलता है। कैसा? कि वो नैया जिसको द्रौपदी कहा गया है, कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी परीक्षाएं आए, परंतु उसने जो एक बार हिम्मत दिखाई है, कौन सी हिम्मत? जो हिम्मत दुनिया में कोई ने भी नहीं दिखाई, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई, वो हिम्मत उस कमला गौ ने दिखाई। बड़े बड़े सन्यासी हुए, वो हिम्मत नहीं कर सके कि घर गृहस्थ में रहें और घर गृहस्थ में रहते हुए भी जीवन कैसा बना रहे, कमल फूल समान बना रहे। ऐसा पार्ट नहीं बजा सके, और उसने तो लंबे समय तक वो पार्ट बजा के दिखाया। तो शिव बाबा तो एहसान फरामोश है या एहसान मंद है? है? शिव बाबा तो एहसान मंद का पार्ट है, जो थोड़ा भी सहयोग देते हैं शुरुआत में। शुरुआत का जो सहयोग है वो ज्यादा मूल्य रखता है, या बीच में और अंत में सहयोग देने वाले वो ज्यादा मूल्य रखता है? शुरुआत में जिसने सहयोग दिया और लंबे समय तक निभाया भी, तो शिव बाबा की दृष्टि में और शिव बाबा के बच्चों की दृष्टि में वो पार्ट क्या डूब जाने वाला पार्ट नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर बोला है कि घूंघट में है कौन है? बड़ी माँ जगदम्बा कहाँ है? घूंघट में है। जब टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो अपना अपना विचार है, कोई किस रूप में विचार चलाता है, किसी आत्मा को लेकर के निगेटिव रूप में विचार चलाना, कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि अगर वो आत्मा नहीं होती, उस आत्मा ने ऐसा समर्पित होने का पार्ट न बजाया होता तो हम यहाँ बैठे होते हैं? बैठे भी नहीं होते। उस एक आत्मा के सहयोग के ये विशेष निशानी हुई कि इतना बड़ा एडवांस पार्टी का संगठन अभी प्रैक्टिकल में स्थिर होकर के बैठा हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना हो। फिर बोला है सच्चा सुख तो दूसरों को सुख देने में होता है। सच्चा सुख तो दूसरों को सुख देने में होता है। राम वाले अथवा सुख ढूंढने में नंबर वन सुस्तू नहीं है। सुनो, वो तो सारी जिंदगी तक संघर्ष करते ना दूसरों को सुख देने में। है? सारी जिंदगी तो संघर्ष करते हैं। हाँ, तो जो संघर्ष करती है वो सच्चाई के लिए संघर्ष करती है या झूठ के लिए संघर्ष करती है? तो जो सच्चाई के लिए संघर्ष करेगा, सच्चखंड लाने के लिए संघर्ष करेगा, वो अंदर में खुश रहेगा या दुखी रहेगा? है? उसकी अंतर आत्मा दुख महसूस करेगी या सुखी महसूस करेगी? सुखी महसूस करेगी। राम के जो भगत हैं,
राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। वो रामायण जब पढ़ेंगे तो रोएंगे, हाय हमारे राम की सीता टूट गई, कितना दुख आ गया। अरे आज की दुनिया में जो राजाएं होते हैं उनकी घरवाली चोरी हो सकती है क्या? तो राम जो इतना बड़ा नाम है उसके लिए बोल दिया राम की सीता चोरी हो गई, उन्होंने जंगल में दुख होगा। अरे विशेषता तो यही है कि कांटों के जंगल में रहते हुए भी अपनी मेंटलिटी ऐसी बना ले कि अपने को सुखी महसूस करे, ऐसा स्वर्ग स्थापन करता है शिव बाबा। यह शरीर से सुख भोगने वाला माहौल स्थापन करता है, है? है? हाँ बाबा ने तो बता दिया, ये शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जावेगी। तो पावरफुल आत्मा सुखी महसूस करेगी, दूसरों को सुखी ही देगी या दुखी महसूस करेगी और दूसरों को दुख देगी? सुख महसूस करेगी। और हैं जो बाप होता है, वास्तव में जो बाप होगा वो अपना सारा जीवन बच्चों के सुख के लिए लगाता है, ये अपने सुख के लिए लगाता है, बच्चों के सुख के लिए लगाता है। तो बाप का पार्ट तो बाप का है, बाप जानता है कि मेरा बच्चा बनने का पार्ट कौन सी आत्मा बजाती है। तो सारा जीवन उस बच्चे के लिए पुरुषार्थ करता है। दुनिया में भी भक्ति मार्ग में जितने भी बाप होते हैं, हमारे बच्चे जन्म जन्मांतर तक पीढ़ियों दर पीढ़ियों क्या बने रहे? सुखी बने रहे, यही पुरुषार्थ करते हैं ना। उन सबने किसको फॉलो किया? हैं, बेहद के बाप को फॉलो किया। बेहद का बाप भी यही करता है, खुद उतना सुख नहीं भोगता, अपने से भी जास्ता है, जास्ती है, बच्चों के सुख के लिए करता है। राम वाली आत्मा सुख भोगने की, स्थूल सुख भोगने की तमन्ना नहीं करती और प्रैक्टिकल में करती भी नहीं है। लेकिन कृष्ण वाली आत्मा संगम युग में भी चैन की बंसी बजाई, बजाई या नहीं बजाई, और पुरुषार्थी जीवन पूरा किया, और सतयुग में भी है पहला पत्ता बनेगा सुख भोगने वाला प्रैक्टिकल जीवन का, और जन्म जन्मांतर सुख भोगने वाली आत्मा होगी। क्यों क्यों सुख भोगेगी? हैं, इच्छाएं अलग अलग प्रकार की होती है। जो कम बुद्धि वाला आदमी है वो दैहिक सुख की ओर ज्यादा ध्यान देता है, और जो बुद्धिमान होता है वो संसार में मान मर्तबा बना रहे, नाक नीची न हो दूसरों के सामने, ऐसा सुख चाहता है या दूसरे प्रकार का सुख चाहता है? एक होता है मानसिक सुख और एक होता है दैहिक सुख। कौन सा सुख श्रेष्ठ है? मानसिक सुख श्रेष्ठ है। संगम युग में जो सूर्यवंशी ब्राह्मणों की दुनिया होगी, स्वर्णिम सुख की दुनिया स्थापन करने वाला ग्रुप होगा, वो मानसिक सुख भोगेगा या देह का सुख भोगेगा? मानसिक सुख भोगेगा। वो दैहिक सुख वाली दुनिया नहीं होगी, उनमें अव्वल नंबर पार्ट बजाने वाली होगी राम की आत्मा। और
ब्रह्मा जी चारों वेदों के रचयिता, मतलब चारों वेदों के ज्ञाता थे और सृष्टि के रचयिता भी थे, तो फिर इनकी सब पूजा क्यों नहीं होती है? इनकी पूजा क्यों नहीं होती? हाँ, रचयिता जो है, अगर रचना असुरों की भी करे और देवताओं की भी रचना करे तो किया कराया सब बराबर हो गया या कुछ किया, ये कहा जाएगा? क्या हुआ, सब बराबर कर दिया? और पापी नदी तो वास्तव में यहीं पर हुआ, शंकर जी ने बताई थी है? चैतन्य काशी नगरी तो यहीं बताई थी शंकर जी ने। कहाँ? इसी जगह पर। इसी जगह माने इसी दुनिया में? नहीं, यहीं पर, इसी जगह पर। किसी जगह पे? हाँ। माने किसी जगह पे, कौन सी जगह पे? यहाँ बस आई थी। हाँ। आपको कैसे मालूम? ये हमने बहुत पुराना इतिहास पढ़ा है, उसने कहा कोई इतिहास मनुष्यों का लिखा हुआ है या भगवान का लिखा हुआ है? उन्होंने बताया कि वो जरूर वहाँ पर ऐसा आवासीय विश्वविद्यालय भी होगा और यही मतलब चेतन काल होगी जहाँ पर ये होगा। ऐसी बहुत सी मतलब कंपिल का भी पूरा इतिहास हुआ। तो कंपिल की बात हुई ना, फरक्काबाद की तो बात नहीं हुई? फरक्काबाद की तरफ तो मुरली में भी बोला है, फरुखाबाद की तरफ मालिक को मानने वाले लोग हैं, ये नहीं कहा फरुखाबाद में? क्या बोला? फरुखाबाद तरफ, माने फरुखाबाद जिले की बात है। वो भाई गए थे में, तो उसमें उनको ब्रह्मा बाबा ने 13 सितरों का पुलंदा जो एडवांस बता दिया और कहे साहब जाओ बच्चे, तुम्हारे यहाँ फरुखाबाद में बहुत बड़ा ग्रुप निकलेगा, बारिश ग्रुप निकलेगा और बहुत बड़ा प्रोग्राम करो जाकर के। तो फिर आखिर जो उन्होंने थोड़े समय बाद ये मेला किया था फरुखाबाद में, तो वो आज भी वो 13 चित्र लगे हुए हैं फरुखाबाद से घूमने वाले आश्रम पर। तो पांडव गुप्त घूमते हैं, गुप्त जाकर के वीडियो खींच के ले आओ। अरे कम से कम प्रूफ तो साबित हो, ऐसे बोलने से कौन मानेगा? है तो अच्छा, आपको छोड़ो, यहाँ तो नए नए रोज ब्रह्मा कुमार निकलते रहते हैं, तो जो नए ब्रह्मा कुमार निकलते हैं जिनको वो पहचान ही नहीं पाते कि ये बीके पीबी के बन गए, तो वो क्या करें? उन्होंने कहा था ब्रह्मा बाबा ने कि नहीं फरुखाबाद छोटी काशी है, ऐसे कहा था। फरुखाबाद तरफ मुरली में बोल दिया, माने फरुखाबाद नहीं, फरुखाबाद तरफ माना कंपिल की तरफ इशारा किया। मैं ऐसे गांव में आता हूँ क्या, जहाँ के लोगों को भरपेट खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता, सारे मकान टूटे फूटे, मकान बनाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते। है धर्म माने धारणा करने वाला राजा, अपने ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल जीवन में धारणा करने वाला राजा कौन हुआ? है ब्रह्मा बाबा धारणाओं का राजा हुआ, तो जो ब्रह्मा बाबा धारणाओं का राजा है, वो धारणाओं का राजा जब शरीर छोड़ देता है तो एडवांस पार्टी के कौन से ग्रुप का मुखिया बनता है? एडवांस पार्टी के 3 ग्रुप हैं, इंस्पिरेटिंग पार्टी, प्लानिंग पार्टी और प्रैक्टिकल पार्टी। इंस्पिरेटिंग पार्टी कहा जाता है मकान बनाने के लिए जो ऑर्डर देता है, प्लानिंग पार्टी को भी ऑर्डर देता है,
इंस्पिरेट करता है ना। जो नक्शा बनाने वाले हैं उनको इंस्पिरेट करता है कि नहीं, तुम नक्शा बनाओ। ऐसे ही जो मजदूर होते हैं प्रैक्टिकल पार्टी वाले, जो मकान बना के प्रैक्टिकल में खड़ा करते हैं, उनको भी पैसा देता है, इंस्पिरेट करता है कि मकान बना के खड़ा कर दो। तो इंस्पिरेटिंग पार्टी का मुखिया कौन हुआ है? ब्रह्मा बाबा। तो जो ब्रह्मा बाबा प्लानिंग पार्टी का भी मुखिया है, नहीं नहीं प्लानिंग पार्टी को चलाने वाला जो इंस्पिरेटिंग पार्टी का मुखिया ब्रह्मा बाबा, वो प्लानिंग पार्टी से भी ऊपर है और प्रैक्टिकल पार्टी वालों से भी ऊपर हुआ। तो धर्मराज कौन हुआ? धारणाओं का राजा है ब्रह्मा ही बाबा हुआ। जो धारणाओं का राजा ब्रह्मा बाबा की सोल है, वो वर्तमान समय में जब तक राम वाली आत्मा संपूर्ण नहीं बनती तब तक उसके ऊपर कंट्रोल करता है या नहीं करता है? है? करता है ना। तो जब तक कंट्रोल करता है तो धर्मराज कौन हुआ और भैंसा कौन हुआ? है कौन हुआ? है कौन हुआ? धीरे क्यों बोलते हैं? सोचते हैं कि हम तो नीचे बैठे हैं, है तो हम पहले नीचे साबित हो जाएंगे, भैंसे के पड़ारा साबित हो जाएंगे, इसलिए नहीं बोलते है? बाप की पहचान की धारणा नहीं हुई है। क्या बाप की पहचान की धारणा नहीं हुई है? हाँ बाप की पहचान की धारणा नहीं हुई तो ये कहेंगे कि धारणा ही नहीं हुई। बाकी सारी धारणाएं हैं कि नहीं है ना? और बाप की पहचान की धारणा जिसको हुई, तुम समझते हो किसको हुई? राम वाली आत्मा को हुई? हुई। अगर धारणा हुई तो प्रैक्टिकल में हुई या सिर्फ मुंह का चब्बर 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 हुआ है? प्रैक्टिकल में हुई, प्रैक्टिकल में हुई। प्रैक्टिकल में बाबा ने कहा कि प्रैक्टिकल में बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब अव्यक्त स्टेज बन जाएगी। तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। तो क्या राम वाली आत्मा की 24 घंटे की अव्यक्त स्टेज संसार के सामने प्रत्यक्ष हुई है? है वो नंबर वन तुम्हारी दृष्टि में है कि दुनिया की दृष्टि में है? गानी आत्माओं की दृष्टि में भी नहीं। अगर होता तो अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय में क्यों आते? आते हैं या नहीं आते हैं? अनिश्चय में आते हैं। नंबर वार माने परसेंटेज में, परसेंटेज में बाप कहा जाता है? कहा जाता है? ये कहेंगे कि 1% हमारा ये बाप नहीं है, 99% हमारा बाप है, कहेंगे हैं? ये निश्चय में तो परसेंटेज होनी नहीं चाहिए। और निर्विकारी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। हाँ 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 मनसा में निराकारी का मतलब बिंदी याद रहे, कोई संकल्प ना आए। निराकारी माने संकल्प का कोई आकार बने ही नहीं। है? हाँ, जो कर्मेंद्रियों से कर्म किए जा रहे हैं वो कर्मेंद्रियों से किए हुए कर्म हम नहीं कर रहे हैं, कराने वाला करा रहा है, तो ये निरहंकारी स्टेज है। हाँ, है? हाँ
हाँ जी, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। हाँ तो कर्मणा में यदि नहीं करेगा तो फल नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, याद में किए हुए जो कर्म हैं, वो याद में किए हुए कर्म पापों को भस्म कर देते हैं। तो कर्मों में देना पड़ता है ना? हैं? तो याद में नहीं रहता। याद में अटेंशन नहीं रहता? हाँ, फल देखो, याद ऐसी चीज है जिसमें पाप कर्म भस्म होते हैं, ऐसी याद है। तो पाप कर्म जिसमें भस्म होते हैं, उसमें ये नहीं कहेंगे कि याद में रहने से हमारे पुण्य कर्म बनते हैं। क्या पुण्य कर्म नहीं बनते, लेकिन याद में रहने से पिछले किए हुए या इस जन्म में किए हुए 100 गुना जो पाप हम चढ़ाए रहे हैं इस समय, वो पाप कर्म सब भस्म होते हैं, पुण्य कर्म नहीं बनते। पुण्य कर्म कब बनते हैं? पुण्य कर्म तब बनेंगे जबकि हम साकारी स्टेज में भी हों और श्रीमत के अनुकूल कर्म करें, श्रीमत के विपरीत कर्म ना करें, तो हमारा पुण्य बनेगा। और है वही जो कर्मेंद्रियों से कर्म किए, वो कर्म से अतीत हो गए, ना अच्छा फल दिया और ना बुरा फल दिया, तो कर्म से अतीत कहेंगे। परे कर्म किया, किया न किया, कर्मातीत स्टेज हो गई। हाँ जी, अरे घर में तो बहुत जोर से बोलती होगी, यहाँ आ कर धीरे धीरे बोल रही। कोई पृथ्वी की चोरी कर ले गया था, पृथ्वी की चोरी कर ले गया था, पृथ्वी की चोरी कर ले गया था कोई राक्षस। हाँ, हिरण्याक्ष तो भगवान ने 12,000 रूप धारण किया था, वो अपने। हाँ, भगवान ने 12 का रूप धारण किया और धरणी रूपी जो कन्याएं माताएं हैं, उन सब कन्याओं माताओं जो विदेशी कर्म करती है, विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है, क्या दूसरे धर्म है ना, इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन, ऐसे कर्म करती है यज्ञ में रहकर, ऐसी सब कन्याओं माताओं रूपी धरणी को पकड़ के कहाँ ले जाता है? पाताल में, गड्ढे में ले जाता है, डूबो अच्छी तरह से। सिर्फ काशी नगरी बचती है, वो गड्ढे में नहीं जाती। अगर न बचे काशी नगरी तो नई दुनिया की स्थापना भी नहीं हो सकती। हाँ, तो पूछना क्या है आपको? अच्छा, समझ में आ गया। और माला में 12 के 9 ग्रुप हैं। हाँ, सूर्यवंशियों का एक भाव है। हाँ ठीक है, और चंद्रवंशी ब्रह्मा, चंद्रवंशियों का हेड ब्रह्मा जो है वो प्रैक्टिकल में है। हाँ, बीज रूप में कौन? हाँ, बीज रूप की माला, उसमें ब्रह्मा है या जगदम्बा है? हाँ, जगदम्बा है। हाँ हाँ, और धर्मों के भी मुखिया हैं। सूर्यवंशियों में तीन जो है वो इस्लामिक बौद्ध क्रिश्चियन। हाँ, ये सूर्यवंशी है। ठीक है, तो ये जगदेव है सूर्यवंशी। हैं, जगदेव है सूर्यवंशियों में इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन।
जो विधर्मी है, हाँ जो विधर्मी टोटल विधर्मी है, जिनमें स्वधर्मी का अंश बहुत कम है, ऐसे जो तीन है जो पूरा नास्तिक का पार्ट बजाते हैं, क्या आस्तिक का पार्ट ब्राह्मणत्व के जीवन में कम बजाते हैं और नास्तिक का पार्ट ज्यादा बजाते हैं, वो है नष्टदेव। सूर्यवंश में इसलिए है कि उन्होंने जो बीज बोया वो कब बोया, अरे खेती करते हैं तो पहले पहले जो बीज बो देते हैं बरसात होने के बाद, वो ज्यादा फसल काटते हैं या थोड़ी देर कर दें फिर बीज बोएं लेट लतीफ हो करके, वो ज्यादा फसल काटते हैं, तो ऐसी बात है। हाँ हम वही होगा, इस्लामी का है वही, कैसे मने मने बारह का जो बारह इस्लामी है उनका हेड नहीं होगा वो। हाँ जी ये गलत फहमी है। हाँ वो इस्लामियों का हेड कोई और है जिसे रतन कहा जाता है। हाँ जी और उनका भी दूसरा। हाँ जी हाँ जी हाँ और हाँ जी प्रजातंत्र राज्य की कैसे शूटिंग होती है? राजा उसे कहा जाता है जो अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर ले, उसको क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। और अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल ना हो पाए तो राजा की शूटिंग करेगा या प्रजा की शूटिंग करेगा? प्रजा की शूटिंग करेगा। तो जो प्रजा की शूटिंग करने वाले हैं वो इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाली लिस्ट में होंगे या नहीं होंगे? हैं? जो प्रजा की शूटिंग करने वाले हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने वालों की लिस्ट में होंगे या नहीं होंगे? हैं? नहीं होंगे। तो जो अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जैसे माता ने पूछा अभी कि धरणी रूपी कन्याओं माताओं को ब्राह्मणों की दुनिया में से पकड़ के हिरण्याक्ष कहाँ ले गया? पाताल में ले, गड्ढे में ले गया। तो किनको गड्ढे में ले गया? जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए उनको गड्ढे में ले गया, या जो कंट्रोल कर पाते हैं उनको गड्ढे में ले जाता है, जो नहीं कर पाते हैं वो गड्ढे में जाते हैं। ऐसे प्रजातंत्र की शूटिंग हो जाती है और प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो जाता है। जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते ऐसी प्रजावर्ग की आत्माएं दूसरी प्रजावर्ग की आत्माओं के ऊपर कंट्रोल करती हैं। श्रीमत के अनुकूल कंट्रोल करेंगी या मनमत से कंट्रोल करेंगी? हैं? मनमत से कंट्रोल करती है। मनमत से कंट्रोल करेंगी तो आपाधापी करेंगी, हिंसक राज्य स्थापन करेंगी या अहिंसक राज्य बनेगा? हिंसक राज्य बन जाता है, उसे हिंसा से सब दुखी हो जाते हैं, सारी प्रजा दुखी हो जाती है। तो ऐसी शूटिंग यहाँ होती है या नहीं होती है? है? अरे जो कंट्रोलर हैं, जैसे मान लो मिनी मधुबन बने हुए हैं, बाबा ने बोला है तुम बच्चों की बुद्धि जब याद में बैठते हो तो कहाँ रहनी चाहिए, बाहर की दुनिया में या मधुबन में रहनी चाहिए? मधुबन में रहनी चाहिए। तो मधुबन जो है वो हमारी जैसे दुनिया हो गई। अब वो कोई भी मधुबन हो, उस मधुबन की दुनिया में जो भी मुखिया है, कंट्रोलर है, निमित्त है,
अगर उसकी कोई बात नहीं मानते हैं, अपनी अपनी चलाते हैं, अथवा यथा राजा तथा प्रजा, जो कंट्रोलर है, इंचार्ज है, वो ऊपर वालों की बात नहीं मानता या बाबा की बात नहीं मानता, तो जो भी फॉलो करने वाले हैं वो बात मानेंगे उसकी, नहीं मानेंगे, तो किसका राज्य स्थापन हो गया, किसका हुआ, राजा का कहेंगे या प्रजा का, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य स्थापन हो गया। और जो शंभु निशंभु का वध करने वाली है और उनके जो जो मुखिया हैं उन सब का वध कर देती है, क्या महाकाली रूप का धारण करने का पार्ट बजाती है, उसका नाम कौशिकी है। कौशिक कहा जाता है राजा को, दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा राजा कौन है, कौन, नारायण, नारायण कहो, शंकर कहो, प्रजापिता कहो, संगमुखी कृष्ण कहो, ये एक ही पार्ट के नाम है या अलग अलग है, एक ही पार्ट के नाम। तो कौशिक माने राजा और उसकी पुत्री का नाम कौशिकी, एक मात्रा बढ़ जाती है। वो जगदम्बा ही जगत पिता की बच्ची बनती है या नहीं बनती है, है? कौशिक माने राजा, कौशिकी की बात हो रही है, राजा की बात नहीं हो रही। हाँ, द्वापर के आदि में भी कटी हुई है और त्रेता के अंत में भी कटी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रेता का जो अंत होता है उस अंत के निमित्त वो ही तीनों आत्माएं जो सूर्यवंशी के बीज हैं, नष्ट देव हैं, वो उसके निमित्त राजा बनते हैं, माना स्वर्ग को नष्ट करने के निमित्त बनते हैं। तो कटी हुई दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, है? कटा हुआ दिखाया जाता है। और द्वापर के आदि में जो दो दिखाए हैं वो है विधर्मी, वो विधर्मियों में इस्लामी और क्रिश्चियन मुख्य है, उनमें उतना भक्ति मार्ग नहीं चलता है। और बाबा कहते हैं दिल की बात दिल आराम से कहो, तो कैसे कहें, अमृत वेले याद में जो लोग बैठते हैं वो कभी अनुभव करते हैं बाबा से रू रियान करने का, दिल की बात दिल के अंदर दिलाराम से बताते हैं, लेन देन करते हैं अंदर ही अंदर, तो कभी अनुभव होता है या नहीं होता है, है? जो बैठते हैं उनको अनुभव होता है और जो बैठते ही ना हो तो उनका पूछना ही बेकार हो जाता है। रामायण में जो लक्ष्मण जो आते हैं रामायण में,
वो लेके आता है क्या लेके आता है पुष्पक विमान लेके आता है। हाँ कहते हैं कि अगर इस कक्ष के अंदर हम दो बातें करेंगे, इस कक्ष के अंदर हम दो बातें करेंगे और तीसरा कोई ना होगा। कक्ष के अंदर माने विमान के अंदर? हाँ, जो कक्ष के अंदर राम और जो आता है। चलो पक्का पक्का याद कर लेना, फिर बाद में पूछ लेना। हाँ, कहते ये बात हमारे हाथ में है, जब चाहे तो करें और जब चाहे न करें। ऐसे ही शंकर के हाथ में डमरू के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा भी है। क्या? जब चाहे तो उसको इंस्पिरेट कर दे, ओ डमरू तुम वही बात करने लगेगा, कभी इधर बजेगा कभी उधर बजेगा। और त्रिशूल भी हाथ में है, माना शंकर ही एक ऐसी आत्मा है जिसके बुद्ध रूपी हाथ में ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, ये तीनों शूल रूपी ज्ञान, शूल माने बाण, तीनों बाण रूपी ज्ञान 100% समाया हुआ है। किसकी बुद्धि में? शंकर की बुद्धि में। इसलिए उनकी बुद्ध रूपी हाथ में त्रिशूल दिखाया गया है। टाइम हो रहा है।